हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मिसबाह स्टेशन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं यहीं सुबह से। तो जी, सारी किचन की क्लीनिंग करके तो फिर नाश्ते की तैयारी करेंगे हम और नाश्ता करेंगे। और आज जो है वो कोई भी जो है ना बाहर का नाश्ता नहीं है, सिंपल जो हमारे देसी जो वो होते हैं ना पराठे और रोटियाँ, तो बस वही है नाश्ते में। हस्बैंड को जो है वो जल्दी ज़रा जाना था, आज फ्राइडे भी है तो जल्दी जाना था, तो उनको मैंने पहले नाश्ता दे दिया, वो चले गए। तो फिर जी बच्चे उठे तो हम लोग, मैंने अपने और बच्चों के नाश्ते की तैयारी की। और फिर नाश्ता वगैरह करने के बाद, जो आज फ्राइडे था तो बहुत ज़्यादा ही काम था, और एक और जो है प्लांट्स वगैरह का भी एक्स्ट्रा काम जो थोड़ा सा मुझे करना था और वो भी था। और आगे चल के आपको ये भी बताएंगे कि हमारे घर पे जो है कौन से मेहमान आए हैं, और मैं बड़ी खुश हूँ, बड़ी एक्साइटेड हूँ बताते हुए। तो चलिए जी, देखते रहिए, बने रहिए। बस जी, ये बच्चे जो है वो खेल में लगे हुए थे, तो यहाँ का जो थोड़ा बहुत काम मुझे निपटाना था तो मैंने सोचा वही निपटा लिया जाए।
तो फिर जो है ना इसके बाद मैं क्लीनिंग करूँगी, तो पहले ये प्लांट्स का काम निपट जाए ना, तो समझ लीजिए आधा काम जो है वो निपट जाता है। तो ये पॉट के अंदर जो है ना मुझे ये छोटे वाले तीनों जो पॉट में से मनी प्लांट थे वो उसमें लगाने थे, और जिन मनी प्लांट की जड़ें बढ़ गई थी पानी में तो उनको भी लगाना था। और तो बस आज वो काम करेंगे। और एक मैसेज में मुझे जो है ना इसके बारे में जो है ना पूछा गया था कि आप अपने जो ये टूल्स हैं इसके बारे में बता दें। तो ये सिंपल गार्डनिंग जो किट वगैरह मिलती है ना जहाँ पे गार्डनिंग की दवाइयाँ वगैरह और जो है कंपोस्ट वगैरह मिलते हैं, तो वहाँ ये काम मिलता है। और ये वाला जो है ना ये जो मिट्टी खोदने के काम आता है सिंपल सा, और ये वाला जो है ना कांटे वाला वो खोदने के काम आता है। जैसे अगर मुझे ऊपर से कुछ कोको बीट वगैरह डालनी है तो मैं उससे जो है ना खुरच के और ऊपर की साइड से जो है खोद के और उस फिर ये लगाते हैं जैसे इस तरीके से, हाँ हल्का हल्का सा खोद के और फिर जो है कोको बीट भरते हैं। तो ये और जो ये वाला जो है इसमें जो मैंने एलोवेरा का प्लांट बनाया था तो उसमें मुझे ये इसने बड़ा साथ दिया था, जबकि मुझे इसकी नीड नहीं थी, मुझे दो ही चाहिए थे। और इसकी जो नीचे वाली जो साइड है ना वो वुड की है और अच्छी वाली क्वालिटी की है, और जो इसका ये है ना ये स्टील का है तो जंग भी नहीं लगा इसमें और बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी के थे। ये एक मुझे 200 का मिल रहा था और जब मैंने तीन एक साथ परचेस करे तो मुझे 550 के पड़े, तो बड़े ही रिजनेबल लगे मुझे। बाकी दूसरी जगहों पे और ऑनलाइन वगैरह पे भी मैंने देखा था तो बहुत ज़्यादा मुझे ना एक्सपेंसिव पड़े थे, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे वहाँ पर, तो फिर मैंने अपने बजट में रह के जो है ना ये परचेस किए। तो बस जी यहाँ पर बहुत गंदगी और मैस हो गई थी, तो जल्दी से इसे क्लीन करते हैं। और क्लीन हो गया, ये देखिए सारा जो है ना तीनों पॉट को एक पॉट में मैंने कर दिया है, और ये जो जितने भी खाली पॉट अब बचे हुए हैं ना तो फिर इनको जो है ना हम बाज़ार से परचेस करके जो है बाकी सीड्स वगैरह लाएंगे, या फिर सदाबहार लेना है मुझे तो मैं वो लूँगी, तो फिर आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि इन प्लांट्स को जो है ना मैं इन प्लांट्स में जो है ना क्या लगा रही हूँ, तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। क्योंकि पहले मैंने सोचा था इन गमलों को जो है ना बाहर निकाल दूं, लेकिन फिर इस जो सारे पॉट में है ना मैंने खुद पेंट किया था, मैंने खुद इस पर जो है कलर किया था, और सारे इनकी जो सारी जो मिट्टी है ना सॉइल थी इसके अंदर कोको बीट है ये मेरे अपने हाथों की बनी हुई है, तो इसी वजह से मैंने इसको जो है डिस्कार्ड नहीं किया, इन गमलों को रहने दिया। क्योंकि अब मैं जो परचेस करूँगी वो डायरेक्ट सीड्स खरीदूँगी और इनके अंदर डालूँगी ताकि जो है ना फिर मैं अच्छी तरीके से इनको ग्रो कर सकूँ। तो बाकी सारी चीज़ें जो इसके अंदर बनी हुई होंगी ना तो फिर ये जो है सीड भी अच्छी तरीके से ग्रो करेगा और मार्केट से मुझे अलग से पॉट ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस ये सारे कामों से फारिग हो गए थे, और जो है अब बाकी का क्लिप तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि फ्राइडे का दिन था, तो बहुत ज़्यादा ही काम होते हैं, पर नमाज़ वगैरह भी होती है, तो फिर काम में जो है कैमरा उठाने का टाइम मतलब फ़ोन उठाने का टाइम ही नहीं मिलता। तो वापस ये शाम से कंटिन्यू किया मैंने, और जो है ना लहसुन अदरक का पेस्ट बना रही थी मैं, काफ़ी वक्त हो गया था, ख़त्म हो चुका है। मैंने बकरा ईद से पहले जो है ना ये पेस्ट बनाया था, तो अब महीना तो होने वाला है तो ख़त्म हो जाता है, तो फिर मैंने जो है एक डेढ़ घंटे की मेहनत करके जो है ना इसको बनाया, और बना के अगर इसको रख दो ना तो फिर जो है ना बड़ा सुकून हो जाता है, एक या डेढ़ महीने तक तो जो है कहीं नहीं जाता। मैं यूज़ भी बहुत कम करती हूँ, बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में इसको यूज़ नहीं करती, तो इसीलिए जो है ना ये काम आता है मेरे बहुत। तो बस जी जल्दी जल्दी से इसका काम निपटाते हैं। पढ़ा वढ़ा के मैं जब फारिग हो गई ना
तो फिर जो है ना खाने की तैयारी करनी थी क्योंकि 8 बज चुके थे, और मैंने सिंपल सा जो है ना थोड़ा सा जो है भुना हुआ जो कोरमे टाइप सालन होता है वैसा ही बनाया है सिंपल मसालों के साथ और सिंपल रेसिपी के साथ। बस जी सालन भी तैयार था और ये भुना हुआ ही मैंने बनाया है ताकि जो है बाज़ार की जो है वो सब चपाती या तंदूर की रोटी के साथ जो है ये अच्छा लगेगा। तो बस जी सिंपल सा खाना था हमारा, और ये थे जिनकी मैं बात कर रही थी, ये हैं पैरेट आए हुए हमारे नहीं हैं, किसी ने जो है रखवाए हैं हमारे पास। तो बस जी इसी को वेलकम करते हैं हम अपने घर में, और इतने सारे लोगों मतलब इतने सारे पैरेट्स के साथ इनका भी जो है वो काम चलता रहेगा, इनकी भी उसी तरीके से जो है खातिर तवाज़े होती रहेगी जिससे सबकी हो रही है। तो बस अब इसी के जो है काम मुझे निपटाने हैं सारे, तो इस केज को क्लीन करना था पूरा पैने डेटॉल के पानी से, और जो है वो सर्फ वगैरह डाल के जो डिटर्जेंट वगैरह डाल के इस केज को पूरा क्लीन किया है। तो इस केज को क्लीन करने के बाद मैं इन्हें खाना दूंगी, और खाना वाना देने के बाद जो है ना आज मुझे इसको ऊपर भी लगाना है क्योंकि बच्चे जो है ना वो चलते फिरते इस केज के अंदर जो है ना अपने जो है चीज़ें डाल रहे हैं, कभी खिलौने डाल रहे हैं, कभी कुछ खाने की चीज़ डाल रहे हैं, कभी कुछ। तो उस सब से बचाने के लिए मैंने अपने सारे केजेस को जो है ना ऊपर दीवार की साइड पर लगाया हुआ है, तो इसको भी लगाएंगे, और ये काम शेरियार आएंगे जब भी करेंगे तो मेरे हस्बैंड आएंगे तो ये सारे काम वो निपटाएंगे। तो बस जी आ चुके थे और ये देखिए जी ऊपर लगवा दिया है मैंने। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो मेक श्योर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक रखिएगा अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।